हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आ गए हैं सुधा बाबा डैम, और ये सुधा बाबा डैम के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर एक आदि मानव का स्केल्टन मिला है, मतलब दांत का सेट, मतलब फॉसिल है, वो पत्थर पे गड़ा हुआ है। तो हो सकेगा तो हम भी देखेंगे उसको कि फॉसिल कैसा दिखता है आदि मानव का। हमारे जो पूर्वज जी ने कहा जाता था वो है। तो ये देखिए रास्ता डैम पे जाने का, पहले का रास्ता वो था, पुराना पुल छोटा पतला था, अब वो बंद कर दिया गया है, उस पर रिस्क है। तो ये नया पुल, तो हम नए पुल की तरफ जाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये पुल हिल रहा है दोस्तों, बहुत ज़ोरों से हिल रहा है, ये देखिए। नेपाल में हम हैं सुधा बाबा डैम। ये सुधा बाबा डैम है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सुधा बाबा डैम है। नीचे बहुत तेज़ रोशनी है जिस वजह से दिख नहीं पा रहा है, और ये इसके ऊपर ब्रिज है जिसमें अभी हम चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों, और ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत ज़्यादा ही हिलता है। और हम चल रहे हैं इसी ब्रिज के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हिल रहा है तो मैं धक्के भी खा रहा हूँ। इसको शेयर करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए एक नई नई डेस्टिनेशन, नई नई लोकेशन लाता रहूँगा। ये थी हमारी पहली इंटरनेशनल राइड जो नेपाल के लिए थी। अब देखते हैं, लेट्स सी दोस्तों। प्यार बनाए रखिए, आपका प्यार और सपोर्ट के ही कारण हम ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं और आप लोगों तक ला दिखा पाते हैं। आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ज़्यादा इसमें कोई वो दिक्कत परेशानी नहीं है कि कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसका प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आपको कैसे और किस तरीके से यहाँ आना है और कितना डिस्टेंस है, तो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इसके साथ अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।